Hello friends, today we are going to learn when individual HUF are required to deduct TDS. There are five sections where individual HUF are required to deduct TDS subject to some condition. It is 194A, C, 194H, I and J. Maan le ki individual HUF प्रीवियस ईयर 16-17 में पेमेंट करना चाहते हैं ये सेक्शन के अंतर्गत या उस पार्टी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो उनकी टीडीएस की जिम्मेदारी कब आएगी इफ इन प्रीसीडिंग ईयर यानी कौन सा प्रीवियस ईयर 15-16 इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट बी केयरफुल सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट दो क्लोजेस बताए गए हैं ए और बी जबकि आप टैक्स ऑडिट के क्लोज खोल के देखेंगे तो आप 5 क्लोज हो चुके हैं याद रहे इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट तो ही टीडीएस काटना है अंडर विच क्लोज क्लोज ए एंड बी इफ दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सीडीई तो कोई टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ की तो गलती ना करें तो आई रिपीट 16-17 में अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट दे रहे हैं कौन इंडिविजुअल और HUF कौन से सेक्शन के अंतर्गत ए सी एच आई जे तो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी के लिए क्या चेक करना है आपको प्रीसीडिंग ईयर कौन सा ईयर प्रीसीडिंग ईयर दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन क्लोज नंबर ए एंड क्लोज नंबर बी ऐसे 5 क्लोज हैं टैक्स ऑडिट के लेकिन ए और बी की बात कर रहे हैं ये बाकी सारे जो हैं टैक्स ऑडिट वो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के हैं आपको जानकारी है अगर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की वजह से ऑडिट हुआ है पिछले साल तो इस साल टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है तो आप क्लोज नंबर ए याद करें क्लोज नंबर ए किसके लिए था बिजनेस के लिए तो उस बार इन बिजनेस टर्नओवर एक्सीडिंग 1 CR इन विच ईयर 15-16 की टैक्स ऑडिट की लिमिट देखनी है आई रिपीट ही सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन विच ईयर 15-16 तो ये बिजनेस के लिए 1 CR था प्रोफेशन के लिए 25 लाख था 50 लाख नहीं एग्जाम में गलती ना करें प्रीसीडिंग ईयर की लिमिट क्या थी 16-17 की लिमिट क्या हो चुकी है 50 लाख तो इफ इन प्रीसीडिंग ईयर इफ ही सब्जेक्ट टू व्हाट टैक्स ऑडिट देन दिस ईयर ही मस्ट डिडक्ट व्हाट टीडीएस फॉर विच सेक्शन ए सी एच आई जे तो आप जब भी हम सेक्शन पढ़ेंगे ACHIJ सब में लिखा हुआ है इंडिविजुअल HUF इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS ओनली व्हेन इन प्रीसीडिंग ईयर ही सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर विच क्लोज क्लोज नंबर ए और बी ऑफ विच सेक्शन 44AB तो ये पहले क्लियर अभी खत्म नहीं हुआ है फिर सेक्शन आगे लिखती है हम पढ़ेंगे डिटेल में तो सी सी फॉर चिमन लाल एंड जे फॉर जमुना लाल तो आपको ये दो लाल याद रखने हैं चिमन लाल एंड जमन लाल तो चिमन लाल एंड जमन लाल ऐसी दो सेक्शन में ऐसा लिखा है इफ पेमेंट इज मेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस तो भी टीडीएस नहीं काटना है वेरी इंटरेस्टिंग तो इंडिविजुअल एचयूएफ इवन दो दे आर कवर्ड इन ऑडिट बट अगर ये दो सेक्शन 194C एंड 194J इफ दे आर मेकिंग पेमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर विच पर्पस पर्सनल पर्पस तो भी मैंने क्या लिखा है नो टीडीएस नेवर कमिट एन एरर अब मजे की बात ये 194 आई है मजे की बात है 194A मान लो आपने किसी को पहले एक काम करते सी और जे का एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी लास्ट ईयर प्रोफेशनल रिसिप्ट है 30 लाख रुपए तो इट इज एक्सीडिंग 25 लाख तो यू आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग ईयर 15-16 अब इस साल वो दो पेमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया ऑफिस में रिपेयरिंग करने का काम था बहुत अब प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई है और ऑफिस रिपेयरिंग मांग रहा था तो ऑफिस में रिपेयरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर बुलाया अब मालूम पड़ा घर पे कि ऑफिस में रिपेयरिंग हो रहा है 10 दिन चलने वाला है तो घर में भी झगड़ा शुरू हो गया कि भी घर भी रिपेयरिंग करवाओ जितने साल प्रैक्टिस के हो गए उतने साल घर को लेकर भी हो गए तो अब वही उसी कॉन्ट्रैक्टर से किसका रिपेयरिंग करवाया घर का रिपेयरिंग करवाया और उसको दो पेमेंट दिए ऑफिस रिपेयरिंग के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं OR डोंट टेक इट ऑपरेशन रिसर्च हाँ ऑफिस रिपेयरिंग मान ले 1,25,000 रुपए दिए कॉन्ट्रैक्टर को और रेसिडेंट रिपेयरिंग के लिए उसने पेमेंट दिया क्योंकि घर
वहां रहना है तो वहां 2 लाख रुपए खर्च किए, बीवी ने पीछे पढ़ के करवाया काफी खर्चा, अभी पेमेंट हुआ कॉन्ट्रैक्टर को, कौन कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी पिछले साल रिसिप्ट है 30 लाख, यानी ही वाज सब्जेक्ट टू व्हाट, टैक्स ऑडिट अंडर क्लोज बी ऑफ 44AB, ऑफिस रिपेयरिंग 1.25 लाख रुपए और रेसिडेंस रिपेयरिंग, तो अब TDS पहले पे कटेगा, हियर TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, रेसिडेंस रिपेयरिंग नो, व्हाई, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर विच पर्पस, पर्सनल पर्पस, आई थिंक क्लियर, बिकॉज दिस इज फॉर पर्सनल पर्पस। मजे की बात यह है, रिमेंबर चिमनलाल जमनालाल, बाकी सेक्शन में पर्सनल पर्पस के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, TDS काटना है, आर यू केटिंग, और सबसे खतरनाक ये है 194i, अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर भी भूल जाते हैं ये देखने का, कौन सा सेक्शन है, मुंबई जैसी सिटी है, पुणे बेंगलोर बराबर है, वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ रेंट। अब मान लो कोई वहां किसी ने दुकान खोल ली, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, नया नया वो सेटल हुआ मुंबई में, अब दुकान भी भाड़े पे, रहने का घर भी भाड़े पे, अब रहने का घर भाड़े पे होगा, वहां भी रेंट एनुअली तो कितना होगा ज्यादा, मान लो जो रहने का घर है रेसिडेंशियल हाउस जो भाड़े पे लिया है वो एनुअल रेंट है 2 लाख रुपए, कितने 2 लाख, अब हुआ क्या, टर्नओवर है 1 करोड़ से ऊपर क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा है, तो ही वॉज सब्जेक्ट टू व्हाट, टैक्स ऑडिट इन प्रीसीडिंग ईयर, अब उसने 2 रेंट चुकाए, एक ऑफिस रेंट एंड रेसिडेंस रेंट, अब मान लो थोड़ी हम फिगर चेंज कर लेते हैं, ऑफिस रेंट चुकाया उसने, अब ओआर मींस क्या समझना आपको, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट चुकाया उसने 4 लाख रुपए, यानी दुकान का रेंट चुकाया सालाना 4 लाख रुपए, और घर के लिए उसने चुकाया मान लो 2,30,000 रुपए एनुअली, ठीक है, अब बोलो क्या होगा, इस टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर इज मोर देन व्हाट 1 करोड़, तो ये ऑफिस रेंट पे TDS काटना पड़ेगा, यानी दुकान के रेंट पे उसको TDS काटना पड़ेगा। व्हाट अबाउट रेसिडेंस रेंट, इज इट फॉर पर्सनल पर्पस, यस, बट पर्सनल पर्पस का रिलैक्सेशन सिर्फ कौन से सेक्शन को दिया गया है, C&J, इसलिए बोल रहा हूं मैं चिमनलाल जमनालाल याद रखना है, तो आई को लेकर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसलिए यहां भी TDS काटना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है, मान लो TDS नहीं काटा, और काफी लोग नहीं देखते हैं, TDS नहीं काटा तो क्या हो सकता है, TDS नहीं काटने का सबसे बड़ा है आप SSC इन डिफॉल्ट कहलाएंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ये अमाउंट पे जो TDS की अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनल्टी लगेगी जितना TDS का अमाउंट है उतनी, प्लस आपको जेल हो सकती है। आप बोलेंगे सर पर्सनल रेंट है तो उसका डिडक्शन थोड़े लेने वाले हैं, तो डिसअलाउंस का कोई सवाल ही नहीं होता है, डिसअलाउंस कब होता है, इफ यू क्लेम द एक्सपेंडिचर, तो ये तो पर्सनल पर्पस के लिए रेंट चुकाया है तो उसका PGP में तो हम डिडक्शन लेते ही नहीं है, तो डिसअलाउंस नहीं होगा, डिसअलाउंस नहीं होगा एग्री, बट क्या होगा, आप SSC डिफॉल्ट कहलाएंगे, ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी और जेल हो सकती है, क्योंकि यू डन ए वायोलेशन ऑफ व्हाट, हम पढ़ेंगे सेक्शन 201 SSC डिफॉल्ट, तो आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी। अब थोड़ा याद करें, पर्सनल पर्पस के लिए आपने रेंट चुकाया है तो कहीं डिडक्शन तो मिलता है, याद तो करें, कोई हेड में मिलता है 5 हेड में से कहीं पर्सनल पर्पस के लिए, हाँ क्या ना, ना कहीं डिडक्शन चैप्टर में मिलता है, 80C2 80U में कोई सेक्शन है, कुछ IPCC में पढ़ा हुआ याद आए, 80GG इफ यू रिकलेक्ट, ऐसी सेक्शन है कि जो जो बंदा एम्प्लॉय है बट नॉट इन रिसिप्ट ऑफ HR है और सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड ही हैड इनकर्ड व्हाट एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फॉर पर्सनल पर्पस, ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मान लो ये 230 पे वो TDS काटना भूल गया, क्योंकि इसको अच्छी तरह चिमनलाल जमनालाल गाइड नहीं किया गया था, तो बेचारे को मालूम नहीं था कि इसके ऊपर TDS काटना चाहिए, उसने TDS नहीं काटा तो क्या 80GG मिलेगा कि डिसअलाउ होगा, क्या 80GG रिजेक्ट हो जाएगा,
ये मिलेगा। ये डिसअलाउंस के प्रोविजन कहाँ लिखे गए हैं? चैप्टर पीजीबीपी में। तो हम ये पीजीबी पढ़ रहे हैं कि ईटी डबल जी पढ़ रहे हैं? ईटी डबल जी, तो ये अलाउ होगा, वहाँ कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। ईटी डबल जी कैन अवेल इवन इफ यू नॉट डिडक्टेड टीडीएस, लेकिन नुकसान ही क्या होगी? ये मे बी लायबल फॉर इंटरेस्ट, मे बी लायबल फॉर व्हाट पेनल्टी, मे बी लायबल फॉर जेल। आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी। तो ये पांच सेक्शन जब भी हम पढ़ेंगे तब आपको ये लिखा हुआ होगा कि इंडिविजुअल एचयूएफ को पिछले साल अगर टैक्स ऑडिट है, आई रिपीट दो क्लोजिस ए और बी में, तो इस साल ये पांच सेक्शन में टीडीएस काटना है। रिलैक्सेशन ओनली फॉर विच सेक्शन? सी एंड 194 जे। तो नोट डाउन दिस चार्ट परफेक्टली। तो जब भी हम पढ़ेंगे आई विल नॉट डिस्कस, वो पैराग्राफ आएगा आप समझ जाएंगे कि चमना जमना आया और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको ग्रेविटी समझ में आ रही है 194A की? मान लो कोई फैमिली में बीमारी आ गई और 25 लाख रुपए खर्च हो गया, अब आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आप बोरो करके आ गए, दैट इज ऑल्सो फॉर विच पर्पस? पर्सनल पर्पस। अब आप इंटरेस्ट चुका रहे, आपका कुछ धंधा तो है खास ऑडिट वाला, तो आपको TDS काटना पड़ेगा इवन इफ यू आर नॉट क्लेमिंग दैट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो याद रहे TDS काटने की जिम्मेदारी क्लेम के साथ नहीं है, पेमेंट के साथ है। तो मैं सर उसका खर्चा थोड़ी बाद लेने वाला हूँ, डिडक्शन लेने वाला हूँ, कोई फर्क नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल, योर लायबिलिटी इज देयर टू डिडक्ट TDS, रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर सी एंड जे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से। 194A पढ़ रहे थे हम, 5.4 पैरा, पेज 20।